Good evening, everyone. Welcome to HashLearn. And as usually we do on Saturdays, 7 to 8, we discuss the current affairs of the given week. So from the 16th of Feb to 22nd February, I'll be giving you a brief overview of the important affairs, current affairs in India. And I'll be presenting to you the information in the question form. Okay? The total 16 questions I'll discuss karunga main current affairs. Mein se last 1 week ka main topics leke. और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर है इन क्वेश्चंस का. और जैसे स्टूडेंट्स मैंने बताया कि हर हफ्ते सैटरडे को 7 बजे हम ये क्लास करते हैं जो है करंट अफेयर्स कैप्सूल, जहां पे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको मैं आपको साथ प्रेजेंट करता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं हर हफ्ते तो आपके करंट अफेयर्स का जो प्रोसेस है, जो करंट अफेयर्स की तैयारी है, वो बिल्कुल स्मूथ चलते रहेगी और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एग्जामिनेशन में. तो हम देखते हैं यहां से कितने क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किया है, पहले देखा है. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में से. सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस अर्थन ड्रम दैट विल सून बी नोटिफाइड एज अ हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गोवा. सो जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में कल्चर से और स्टैटिक जीके से भी आते हैं, अपार्ट फ्रॉम आप डिफरेंट एग्जाम्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आएगा, करंट अफेयर्स में कुछ भी इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट है तो वो भी करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है. सो जो ये क्वेश्चन है, कौन सा इंडिजिनस मतलब कि लोकल वहाँ के लोगों का जो अर्दन ड्रम है, जो मिट्टी का बना हुआ एक ड्रम होता है, विच विल बी नोटिफाइड एज अ हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गोवा, व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? हैव यू रेड अबाउट दिस न्यूज? इफ नॉट यू सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन बी, दैट इज घूमट, राइट. सो घूमट इज द ट्रेडिशनल अर्दन ड्रम ऑफ गोवा, द स्टेट ऑफ गोवा, दैट इज टू बिकम द हेरिटेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गोवा. ये नोट कर लीजिए. हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपको इसके बारे में क्या पता है. व्हाट हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन? तो जैसे वर्ल्ड में काफ़ी सारे ऐसे यूनियंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे आपको यूनाइटेड नेशंस जो है सबसे बड़ा यूनियन है काफ़ी कंट्रीज का, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है. और यूनियन के अंदर में भी काफ़ी डिफरेंस हैं, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन जनरल असेंबली है, ठीक है, और यूएन के बाकी एसोसिएशंस हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो. तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए वो है यूएन. और जब यहाँ लिस्ट कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. नेक्स्ट आप देखोगे कि बड़ा जो यूनियन है वो एक है यूरोपियन यूनियन, ईयू, और ये भी काफ़ी चर्चा में था पिछले साल और पिछले के पिछले साल भी, ब्रेक्सिट को लेके. जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, वो ब्रेक्सिट से, यूरोपियन यूनियन से निकल रहा है, तो उसके लिए जो प्रोसेस था उसको बोलते हैं ब्रेक्सिट, मतलब ब्रिटेन एग्जिट का शॉर्ट फॉर्म हो गया ब्रेक्सिट. सो वहाँ पे डिस्कशन थी यूरोपियन यूनियन के बारे में. नेक्स्ट बड़ा जो आपको एक वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है कंट्रीज का, वो है नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मुख्य रोल जो है अमेरिका प्ले करता है और अमेरिका के बाकी अलाइज नाटो के मेम्बर्स हैं. काफ़ी सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी जो हैं नाटो के मेंबर्स हैं. इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है अफ्रीकन यूनियन, जिसमें मेनली अफ्रीकन नेशंस हैं, जिस इज़ अ न्यू एंटिटी कंपेयर टू द अदर ग्लोबल यूनियंस इन द वर्ल्ड. अफ्रीकन यूनियन इज़ अ न्यू एंटिटी. और जो पिछले इंडिया में जैसे साउथ एशियन में अगर देखोगे आप तो सार्क है, जहाँ पर मेन पिवटल रोल इंडिया प्ले करता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. एंड हर साल सार्क की समिट होती है अलग अलग जगह पे. सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू पे है. तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेड क्वार्टर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए आपको, उनका हेड अभी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट एक और है, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये हो गया एशियान. और एक छोटा जो ग्रुप है कंट्रीज़ का वो है ब्रिक्स, जहाँ पे हैं आपको 5 कंट्रीज़ और जिनके फर्स्ट लेटर्स को लेके बनता है ब्रिक्स. जैसे ब्राज़ील से आ गया बी, रशिया से हो गया आर, इंडिया से है आई और सी से है चाइना और एस से है साउथ अफ्रीका.
हर साल ब्रिक्स की भी समिट होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल समिट कहाँ होने वाली है और पिछले साल समिट कहाँ हुई थी. तो ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल यूनियंस आर देयर फॉर विच यू मस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन एनी ऑफ दीज. यू शुड नो अबाउट देयर हेड्स, यू शुड नो अबाउट द हेड क्वार्टर्स ऑफ दीज यूनियंस and any other important current affairs that happens based on these unions. ठीक है, तो ये जो question मैंने लिया यहाँ पे question number 2, वो भी इसी में से एक है, African Union के बारे में. और recently अभी February में African Union का जो नया chairman है वो select हुआ है. तो ये एक important question बन जाता है आपके examination में. So answer है इसका A, Abdel Fattah El Sisi, जो कि है President of Egypt. ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो अभी chairman है of the African Union, he is the President of Egypt, which is one of the African countries. And you can see the options here, Musa Faki and Roger Kodo Dang. These are the other options here. The right answer is A, Abdel Fattah El Sisi, who is the President of Egypt. So, this is question number 2. Now, let's see what is question number 3. What is the name of the portal launched by the Minister of State for Ayush? And श्री श्रीपद यसो नायक. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथी. तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं अदर देन एलोपैथिक, जो एलोपैथिक है वो हो गया मेन स्ट्रीम मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एलोपैथी. और जो ट्रेडिशनल या बाकी जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको इंडिया में प्रमोट करने के लिए बनाया गया था मिनिस्ट्री. व्हेन मोदी जी केम इनटू पावर ही मेड अ न्यू मिनिस्ट्री कॉल्ड एज आयुष. यहाँ पे आप देखिए जो आयुष है उसमें ए और वाई जो है वो है आयुर्वेदा के लिए, ठीक है, और आपको यूनानी के लिए है यू, सिद्धि के लिए है एस और होम्योपैथी के लिए है एच. तो ये है एक्चुअली फुल फॉर्म आयुष मिनिस्ट्री का कि व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इट्स टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया दैट इज आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी ड्रग्स. ठीक है, और यहाँ पे एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष. आंसर श्री श्रीपद यसो नायक. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल लॉन्च्ड बाय Minister of State for Ayush, and for what purpose this portal has been launched? For online licensing of Ayurveda, Siddha, Yunani, and homeopathy drugs. Iska sahi answer hai E, Aushadhi. This is the right answer for this question. Kafi close answer options diye humne yahan pe E Ayush or E Arogya, but the right answer for question number 3 here is E Aushadhi. और ये सब पिछले एक वीक का डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और हर वीक का हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा. आप इन वीडियोस को, आप काफ़ी यूजफुल मिले है आपके लिए ये वीडियोस, आप ज़रूर देखिए. आप दिन और टाइम याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ सैटरडे 7 o'clock इज़ द टाइम फॉर यू टू गो थ्रू द एंटायर रिविजन ऑफ दैट वीक जीके. ठीक है, सो आप क्वेश्चन देखिए, उनको नोट करिए और साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करिए. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. विच मूवी वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड at the recently concluded BAFTA award ceremony. Now BAFTA awards jo hai maine pichle baar bhi discuss kiya tha, usme se nikal ke maine ye question aapke liye diya hai yahan pe ki agar aap follow kar rahe ho class ko to aapne dekha hoga aur aapko pata hoga is answer ke, is question ka answer kya hai. To agar aapko pata hai answer to aap post kariye comment section mein. Yahan pe 4 answer options hai aapke samne mein, Roma, The Favorite, Green Book aur chautha answer hai none of these. Maine bataya tha aapko ki BAFTA stands for British Academy of Film and Television Arts, और हर साल in the month of February BAFTA will give its awards for the best film and the best actors and actresses and the best director for all lot of categories. And BAFTA is a precursor for the Oscar Awards, which we also know as the Academy Awards. ठीक है, so which movie won the best film? अगर आपको आंसर पता है तो आप अभी तक कमेंट कर चुके होते. इसका आंसर है रोमा. The right answer for this question is Roma. The film which has won the best film category at the recently concluded BAFTA award ceremony is Roma. और जो दूसरा आंसर ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे The Favorite, ये है outstanding British movie of the year from BAFTA. तो अगर क्वेश्चन होता outstanding British movie of the year, then the answer would be The Favorite.
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे है बेस्ट फिल्म, आंसर है रोमा. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द सोल पीस प्राइज 2018. ये अवार्ड जो है किसको मिलने वाला है, ये पहले ही अनाउंस कर दिया गया था. ये लास्ट ईयर नवंबर वगैरह में ये अनाउंस कर दिया गया था कि हु विल बी द रेसिपियंट ऑफ द सोल अवार्ड्स 2018, सोल पीस प्राइज 2018. बट अभी फरवरी में ये अवार्ड हैंड किया गया है, हैज बीन कन्फर्ड एंड प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. सो नरेंद्र मोदी इन हिज ट्रिप टू साउथ कोरिया रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस, वी शुड कॉल इट प्रेस्टिजियस, सोल पीस प्राइज 2018. तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे नरेंद्र मोदी. एंड करेंटली ही इज ऑन हिज बायलैटरल ट्रिप टू साउथ कोरिया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नरेंद्र मोदी जिस भी कंट्री में जाते हैं, जिस भी दो भी डील करते हैं और उनके जितने पॉलिसीज हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इतना आप ध्यान जरूर रखिए. और लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 हियर अगेन. लेट्स सी, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. वॉट इज द नेम ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया फॉर अ बायलैटरल मीट. अभी आपने हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस इंडिया आए थे और मोदी जी ने उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट में गए. वहाँ पे मोदी जी ने उनको हग किया, गर्मजोशी से उनसे मिले और काफ़ी प्रोडक्टिव रहा सऊदी अरेबिया और इंडिया का बायलैटरल मीट. सो क्या नाम है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का, मतलब कि हु विल बी इन द फ्यूचर बिकमिंग द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में इसके बारे में वर्णन था, हर जगह डिस्कशन चल रहा था. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है. क्या है इसका आंसर? मोहम्मद बिन सुल्तान है, या मोहम्मद बिन सलमान, या मोहम्मद बिन अम्मान. इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन सलमान, और इनको लोग नॉर्मली पॉपुलरली MBS भी बुलाते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐप्स में, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में और ऑनलाइन जो उनके ट्विटर में कॉमेंट्स होते हैं, वहाँ पर इनको बुलाया गया है पॉपुलरली, और प्यार से लोग इनको MBS बुलाते हैं. मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी फ्रूटफुल विजिट रहा है और काफ़ी अच्छा बायलैटरल मीट रहा इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, जहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात हुई रिगार्डिंग टेररिज्म एंड हाउ टू टैकल टेररिज्म इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से, डिफेंस में कोई नया वेपन हो, डिफेंस में कोई नया एयरक्राफ्ट हो या कोई सबमरीन हो, ठीक है, वो जब भी आप देखें आपके लिए समझ लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, लॉकहीड मार्टिन विल मैन्युफैक्चर द F-21 फाइटर जेट इन कोलैबोरेशन विथ विच इंडियन कंपनी. सो लॉकहीड मार्टिन जो है एक ग्लोबल जायंट कंपनी है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और ये नॉर्मली F-21 वगैरह फ्लाइट बनाती है, फाइटर जेट बनाती है, और ये स्पेशली बना रही है ये F-21 फाइटर जेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, एक्सक्लूसिव फॉर द टेलर मेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स. नाउ इट इज इन कोलैबोरेशन विद विच इंडियन कंपनी, उनका जो इंडियन पार्टनर है वो कौन सी कंपनी है? क्या वो भारत फॉर्ज है, क्या वो रिलायंस डिफेंस लिमिटेड है? नाउ रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा आपने, क्योंकि रफाइल डील को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती है कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड कंपनी, विच इज ओन बाय अनिल अंबानी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विच इज आवर गवर्नमेंट्स ओन एविएशन कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या इट इज़ टाटा एडवांस सिस्टम्स विच इज द डिफेंस विंग ऑफ द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. तो सही आंसर स्टूडेंट्स क्या है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, मैं कह सकता हूँ इसको आप लिख लीजिए. ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दैट विल कम इन द एग्जामिनेशन. सोल पीस प्राइज अगेन इज अ हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट एवरी क्वेश्चन आई सिलेक्ट हियर इज बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 7. टाटा एडवांस सिस्टम विल बी द इंडियन पार्टनर विद लॉकहीड मार्टिन, एंड लॉकहीड मार्टिन विल बी मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम. ये भी याद रखिए, अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम लॉकहीड मार्टिन विल बी मैन्युफैक्चरिंग F-21 इन इंडिया. ठीक है, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. प्रीवियस सेशन कॉन्टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे. ये क्वेश्चन मैंने पिछले सैटरडे के GK सेशन में लिया था. फर्स्ट लॉ एशिया ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई लॉ एशिया विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद द बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया. द लॉ एशिया ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस 2019 वॉज हेल्ड इन विच सिटी. द राइट आंसर फॉर दिस कॉन्टेस्ट क्वेश्चन इज
न्यू दिल्ली. जो पहला लॉ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था वो था न्यू दिल्ली में. सो दिस इज द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास एंड एज इज अ नॉर्म इस क्लास में भी आपके लिए कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है. और जब मैं अगले स्क्रीन पर जाऊंगा तो आपके स्क्रीन पे होगा कॉन्टेस्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आपको दिया जाएगा 7 सेकंड कॉन्टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आंसर ऑप्शन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने के लिए. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन. बी रेडी फॉर इट. नाउ हियर इज द कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन. आज ही मैंने डिस्कस किया आपसे कि हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन. और अभी आपको ये बताना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन. चार आंसर ऑप्शन आपके स्क्रीन में है. एक है कैरो, एक है जोहानिसबर्ग, एक है एडिस अबाबा और एक है केप टाउन. सो इफ यू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन, यू शुड हैव बाय नाउ पोस्टेड इन द कमेंट्स. कुछ सॉल्व करना है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन है. तो अभी तक अगर आपको पोस्ट करना था आप पोस्ट कर चुके होते. नाउ लेट्स मूव टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्कशन. इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे अगले करंट अफेयर्स क्लास में, जो कि होगा नेक्स्ट सैटरडे फ्रॉम 7 o'clock ऑनवर्ड्स इन द इवनिंग. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8 हियर. इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज, जो कि हमारी विदेश मंत्री हैं, ट्रैवल टू विच यूरोपियन कंट्री इन फरवरी 2019 फॉर अ बायलैटरल मीट. ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने किस यूरोपियन कंट्री का विजिट किया है फॉर अ बायलैटरल मीट इन फरवरी 2019. बिल्कुल करंट है, एक वीक का है ये क्वेश्चन और इसका आंसर है स्पेन. The country to which she went and when she was in that country during the Pulwama, grossly Pulwama attack on the 14th of February. The answer is Spain. And now let's know little bit more about it. और जानते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ था. जो ये फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीट थी, तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज और स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर है जोसेफ बैरल. नेम ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, जोसेफ बैरल. और मीटिंग वॉज हेल्ड एट मेड्रिड, जो कि स्पेन की कैपिटल है, वियाना पैलेस. द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द मीटिंग वॉज हेल्ड इज मेड्रिड वियाना पैलेस. एंड हियर व्हेन शी वॉज इन स्पेन शी वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट. वन ऑफ स्पेन्स प्रेस्टिजियस सिविल मेडल्स, यू कैन से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट was presented. This medal was presented to Sushma Swaraj to honor India's support for Spanish victims of the earthquake that devastated Nepal in April 2015. So during April 2015 जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, कुछ स्पेनिश लोग वहाँ पे विक्टिम्स थे, उनके हेल्प के लिए जो भी इंडिया ने किया था उसको ऑनर करते हुए ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट वॉज अवॉर्डेड टू प्रेजेंटेड टू सुषमा स्वराज जी, राइट, हु इज आवर इन who is our external affairs minister. So ये answer है. साथ में हमने additional points भी discuss कर लिए इस question में. अब हम चलते हैं question number 9 की तरफ. The 4th Asian India Asian Expo and summit was held between 21 and 23rd February in which city? कौन से शहर में हुआ था 4th India Asian Expo? मैंने बताया आपको Asian का full form क्या है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, और इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली. जो 4th इंडियन एशियन एक्सपो हुआ है वो हुआ है किस शहर में, न्यू दिल्ली में. चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन जो भी मैं क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ, उसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 10 मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Which of the following states is not impacted by the 125th Amendment Bill of India's Constitution? 125th Amendment Bill में जो भी changes हैं, जो भी modifications हैं, उनसे कौन सा राज्य affected नहीं होगा? Which of this will not be impacted, which is not covered under the 125th Amendment Bill? So यहाँ पे 5 answer option मैंने दिए हैं आपको, और यहाँ पे एक ही राज्य है जो इस बिल से अफेक्टेड नहीं है, वो है मणिपुर. मणिपुर, बाकी जो राज्य हैं जो कि अफेक्टेड है, द स्टेट्स विच आर इम्पैक्टेड मेनली ट्राइबल्स ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर बिल. इस बिल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी होनी आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आप.
जो बिल है वो टेबल किया गया है पार्लियामेंट में 6 फरवरी को इन द राज्यसभा, राइट, एंड इट इज टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स इन द 6 शेड्यूल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन. जो इंडिया में ट्राइबल एरियाज है, जो शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं हम लोग, जो ट्राइबल एरियाज है जिनको मार्क किया गया है 2 शेड्यूल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक है 5th शेड्यूल और एक है 6th शेड्यूल. तो बाकी ट्राइबल जो एरियाज है, झारखंड हो गया, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी बाकी ट्राइबल एरियाज इंडिया में हैं, वो सारे के सारे 5th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं. यहाँ बात हो रही है 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज की, और जो 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं वो मेनली 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. दीज आर दी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच कम इन द 6th ट्राइबल शेड्यूल, 6th शेड्यूल एरियाज. दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज काउंसिल्स. उनके जो विलेज लेवल पे जो काउंसिल्स हैं, पंचायत है, उनको ज़्यादा पावर देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स देने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है. और ये अमेंडमेंट किया नहीं गया, अभी बिल टेबल हुआ है राज्यसभा में, ठीक है. जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है. सो आंसर राइट नाउ, विच स्टेट इज नॉट इम्पैक्टेड, द आंसर इज मणिपुर. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना. मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना काफ़ी अच्छा सा नाम है. विच स्टेट हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड और लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन यूथ. खास के अर्बन शहरी जो युवा हैं उनके लिए है ये पर्टिकुलर योजना, ठीक है. उनको 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने का योजना है ये पर्टिकुलर योजना जो है, इन द लाइन्स ऑफ द मनरेगा विच गारंटीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पीपल. दिस इज अ योजना इन अ पर्टिकुलर स्टेट टू गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 दिनों का रोजगार गारंटी करने के लिए फॉर द अर्बन यूथ, दो शहरी युवा लोग हैं. और उसका आंसर है किस स्टेट में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है. अभी हाल ही बना है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी बने हैं चीफ मिनिस्टर, और वहाँ बन के चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया है शहरी युवाओं के लिए, और टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द अर्बन यूथ ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है. क्वेश्चन 11 हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ. इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड. अभी जस्ट एक दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है. फ्रंट लाइन के नितिन गडकरी जी बता रहे थे कि इंडिया विल नॉट बी शेयरिंग इट्स शेयर ऑफ वाटर विद पाकिस्तान. अंडर द इंडस ट्रीटी इंडिया विल नॉट बी शेयरिंग इट्स शेयर, मतलब इंडिया का जो शेयर है पानी का, वाटर का, वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि पानी रोक दिया जाएगा, इंडिया अपना शेयर नहीं देगा पाकिस्तान को. तो चूंकि ये बहुत ही न्यूज़ में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह था, तो मैंने कहा आपको ये तो पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और वो कब साइन की गई थी. तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1960. इट वॉज साइंड इन द ईयर 1960. और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. द ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाई वर्ल्ड बैंक बिकॉज देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द शेयरिंग ऑफ द इंडस एंड इंडस ट्रिब्यूटरीज. जो इंडस के बाकी जो नदियाँ हैं उनके पानी को शेयर करने के बीच में जो आपसी मतभेद था, उसको रिजॉल्व करने के लिए, ताकि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो और शांति बने रहे, वर्ल्ड जो ये वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ये ट्रीटी को ब्रोकर किया था, मिडिल मैन का काम किया था, ठीक है. अच्छा, इस ट्रीटी के अनुसार जो रिवर्स हैं, जो 6 रिवर्स हैं, उनको हमने बांटा है 2 ग्रुप्स में. एक है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम. इसमें इंडस ईस्टर्न रिवर्स है सतलज, ब्यास और रावी, और ये तीनों जो रिवर्स हैं इनका पूरा पानी इंडिया यूज करता है. द कंप्लीट वाटर ऑफ सतलज, ब्यास एंड रावी इज फॉर द यूज ऑफ इंडिया, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल यूज ऑफ इंडिया. एंड द वेस्टर्न रिवर्स आर झेलम, चेनाब एंड इंडस विच इंडिया हैज सम शेयर एंड द रिमेनिंग वाटर गोज अनइंटरप्ट. अभी तक इंडिया ने इसमें नहीं दखल दिया था और छोड़ दिया था एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, बट अगर पड़ोसी ऐसा हो तो क्या ही किया जा सकता है, राइट. सो वेस्टर्न रिवर्स जो है झेलम, चेनाब एंड इंडस, इसकी पानी जो है पाकिस्तान के लिए छोड़ी जाती थी.
India was given full rights over eastern rivers while India had to let the western rivers water flow unrestricted to Pakistan. But India is also allowed to use the water from the western rivers Jhelum, Chenab and Indus for non-commercial use like irrigation and farming. तो वो जो शेयर इंडिया छोड़ देता था अब वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, इससे काफ़ी लॉस होगा पाकिस्तान को. तो यहाँ पे जो है ईस्टर्न रिवर्स जो है सतलज, ब्यास और रावी इंडिया के लिए, वेस्टर्न रिवर्स झेलम, चनाब एंड इंडस यूजली पाकिस्तान के लिए. और इसमें से इंडस और सतलज जो दो रिवर हैं ये नॉर्मली चाइना से ऑरिजिनेट करते हैं, जो तिब्बतन एरिया चाइना का है वहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं. और बाकी जो ब्यास, रावी, झेलम और चनाब है वो इंडिया से ऑरिजिनेट करते हैं. ऑल द रिवर्स फ्लो इन टू पाकिस्तान, ऑल दिस रिवर्स फ्लो इन टू पाकिस्तान. ये जो पांच नदियां बहती थी इससे बना है राज्य का नाम पंजाब, जो कि थोड़ा सा इंडिया में है और काफ़ी सारा पाकिस्तान में चला गया था ड्यूरिंग पार्टीशन, ठीक है. ऑल राइट, सो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया. और ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1960 में. और एक परमानेंट इंडस कमीशन भी है इंडिया में, इंडस कमीशन जो है, इंडस वाटर कमीशन, वो परमानेंट यूएन बेस्ड, यूएन ऑब्जर्व्ड कमीशन है. इस कमीशन की एक ऑफिस पाकिस्तान में है और एक इंडिया, मतलब एक इस्लामाबाद में और एक न्यू दिल्ली में. और हर साल इस कमीशन के लोगों की मीटिंग होती है आपस में रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन दैट द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉर 12 स्टेट रन बैंक्स. 12 सरकारी बैंक जो काफ़ी घाटे में चल रहे थे और जिनको आरबीआई ने प्रिवेंटिव मेजर्स में डाल दिया था, पीसीए प्रिवेंटिव करेक्टिव आप कह सकते हैं मेजर्स में, और उसमें से 12 स्टेट रन बैंक्स थे. उनको दिया है गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सा गिफ्ट. तो गवर्नमेंट हैज गिवन इन्फ्यूजन ऑफ 48,239 करोड़ टू दीज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर प्रोसेस एंड दे कैन स्टार्ट गिविंग लोन्स एंड स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. 48,239 crores the government has given. Of the total 1.06 lakh crore rupees, the government has almost given the entire bailout to the public sector banks and has left only with 5,000 crore rupees that is there to oversee the merger of Bank of Baroda with Vijaya Bank and Dena Bank. So, काफी important question यहाँ पे. 48,239 crores, जिसमें से कि 9,000 crore, इसमें से total तो almost अलाहाबाद bank हो गया है, ठीक है. So this is question number 13 regarding infusion of funds to the public sector banks. Let's go to question number 14. Recently, the Ordnance Factory Board OFB has received clearance from the Indian Army and the Ministry of Defense for production of 114 long range artillery guns. So jo Ordnance Factory Board Indian board hai jo ki Indian Army se aur Ministry of Defense ke andar contract mein weapons banati hai India mein, they will be making 114 लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन. इंडिजिनस है ये, इंडिया का ही गन है. सो द क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दीज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन्स. मैंने कहा जो भी डिफेंस में से क्वेश्चन होता है, कोई नया वेपन बन रहा है, कोई नया वेपन खरीदा गया है, कोई नया एयरक्राफ्ट खरीदा गया या बनाया गया, कोई नया सबमरीन जो है उसको डिप्लॉय किया गया, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो इसका आंसर है धनुष. द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन दैट इज बींग मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड under the clearance from Indian Army and Ministry of Defense is the Dhanush, name of the long range artillery gun. Theek hai, next hum dekhte hain question 15. Prime Minister of India Narendra Modi flagged off the first, kafi news mein tha ye, first diesel to electric converted. Aapne dekha hoga front page ke photo mein, front page mein headline se photo mein, diesel first diesel to electric converted locomotive at the diesel locomotive works लोकेटेड एट. ये जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, फर्स्ट डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव, ये कहाँ पे लोकेटेड है. आंसर है इसका वाराणसी, ये है वाराणसी में, ठीक है. ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मैंने कहा मोदी जी से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स हो, वो आपके लिए ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में स्टूडेंट्स, इस चीज़ के आप ध्यान रखिए. और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ. वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके बारे में भी काफ़ी सुना होगा आपने, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह आपने पढ़ा है, देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़ चैनल्स में देखा है, इनके बारे में बहस अच्छी बड़ी बुरी सब कुछ हुआ है. ब्रेकडाउन हो गया था वंदे भारत, उसको भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया, और तो आपको तो पता ही होगा. फिर यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस
was recently inaugurated by PM Modi. Now it runs between New Delhi and जो पहला वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ चलता है? Between which two stations does it run? It went from New Delhi to which station and then from which station did it return to New Delhi? कौन सा वो स्टेशन? आंसर है वाराणसी. It runs between New Delhi and Varanasi and it completed its round trip from New Delhi to Varanasi and back to New Delhi. In its round trip, it had met with some kind of a technical glitch also. And one more thing, what was Vande Bharat Express called earlier? Iske pehle, abhi iska naam Vande Bharat hai. Pehle kya naam tha is train ka? Kya aapko pata hai? What was the name of this train before it was renamed or as Vande Bharat Express? This train was called Train 18. Right, this is a super fast train, super fast train runs at average of 180 kilometers per hour. Aur kafi iske bare mein Piyush Goyal ji ne aur Narendra Modi ji ne kafi baat ki hai iske bare mein. Aur ek kafi garv wali baat hai ki India ne aisa train banaya, Vande Bharat Express, that was recently inaugurated by PM Modi, runs between New Delhi and Varanasi. So for today, this is our discussion. Maine 16 very important questions aapke sath discuss kiye, aap unko note kariye. अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं जो हर वीक मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में. तो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट क्या करिए और याद रखिए, हर हफ्ते एवरी सैटरडे एट 7 o'clock वी विल हैव दिस जीके डिस्कशन दैट इज गोइंग टू चेंज द वे यू प्रिपेयर फॉर जीके इन योर एग्जामिनेशन. सो लाइक आवर वीडियोज एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू हैशलर्न प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ. ऑल्सो यू कैन टेक आवर पासपोर्ट एक्सेस दैट इज इन हैशलर्न ऐप, which will give you unlimited access to number of tests, practice tests and full length tests and a lot of other useful stuff on the app. So thank you for watching the video and see you next time.